सईद अहमद ने मेरे कहने पर अमजद को वापस रख लिया ना, तो मत सोचो अमजद जिंदगी भर के लिए मेरा एहसान मंद हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि आ गया होगा तो उसके साथ लंच का प्रोग्राम बनाता हूँ। बस आने ही वाले होंगे। नायला भाभी से बात हुई थी मेरी, मैंने उनको बता दिया है कि उनकी गैर मौजूदगी में खाना आप हमारे साथ ही खा लेंगे। क्यों आदतें खराब कर रही हैं भाभी मेरी? वो पहले की तरह बाहर से ही खाना खा लिया करे तो ज्यादा अच्छा, उन्हें अपनी आदत ना डालें। क्या सोच रही भाभी? नहीं कुछ नहीं, बस कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, खाना आप हमारे साथ खाएंगे। मैं फरमान को फोन करके पूछती हूँ कितनी देर लगेगी उन्हें। मैं फोन कर लेता हूँ, आप एक गिलास पानी पिला दीजिए मुझे प्लीज। जी भाई कहाँ हैं आप? मैं बस घर पहुंचा हूं। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय। फरमान बस पहुंच रहे, थोड़ी देर में आ जाएगा यहाँ। ओ ठीक है, तो फिर मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। वैसे फरमान बहुत लकी है, उसे आप जैसी बीवी मिली हूँ। आप भी बहुत लकी हैं, नायला भाभी बहुत अच्छी हैं। ये तो मुझे भी पता है कि नायला कैसी है। खैर आप दोनों को देख के बहुत रश का था मुझे, काश मेरी बीवी भी ऐसी होती। मर्द हजरात बहुत ना शुक्रे होते हैं, नहीं कदर करें उनकी, बहुत अच्छी हैं आपकी बीवी। दरअसल मैं ये कहने के लिए आया था कि ज़्यादा तकल्लुफ मत कीजिएगा, ये खाना मैं आपके कहने पे खा रहा हूँ, मेहमान थोड़ी हूँ मैं। मैंने तुम्हें कहा था मारो कि अमजद के मामले से बाहर रहो, मर्दों के मामले में पढ़ने की क्या जरूरत है तुम्हें? सईद अहमद को मेरी बात माननी पड़ेगी, बस कह दिया मैंने। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती मारो उसके साथ। मैं तो करूंगी, उसने सोच भी कैसे लिया कि मेरी बात से इनकार कर सकता है। करती है ना इनकार मारो, अब अमजद की वजह से तुम सईद को नाराज कर बैठोगी। मैं नहीं अम्मा, वो करेंगे नाराज मुझे, ये तो दिखाना। ये लो उसका फोन आ गया, क्या कहूँ, बोल नाराज हूँ। हेलो खाला जी, वो मारुख का फोन क्यों बंद है? मैं रात भर उसे फोन करता रहा, कॉल काट देती थी मेरी, और अभी भी उसका फोन बंद। भाई तुम जानो या वो जाने, वैसे कल से उसका बहुत मूड ऑफ है। मुझे कह रही थी कि सईद मियां ने मेरी कोई बात नहीं मानी। खाला जी उसे समझाएं, हर बात मानने वाली नहीं होती है। भाई तुम्हें समझाऊं या उसे समझाऊं, वो तो मुझे ये कह रही थी कि शादी से पहले ही सईद मेरी बात नहीं मान रहा है। वैसे एक बात बताओ, सही कह रही थी वो? जिस बात से उसका ताल्लुक नहीं है उस बात का बतंगड़ क्यों मना रही है वो? नहीं तुम गलत कह रहे हो,
जिस बात का ताल्लुक तुमसे है तो उससे भी है। वो जो कह रही है मान जाओ ना। वो कह रही है कि मैं अमजद को वापस स्टोर पर ले आऊं। तो ले आओ वापस, कौन सा मुश्किल है? नहीं नहीं ला सकता खाला, और उसे कह दे कि अमजद की दोबारा हिमायत ना करे। क्या कह रहा था? उनको भी समझा रही थी ना मारो कि किसी दूसरे की वजह से मत उलझो सही से। अब उसने इनकार कर दिया ना, यानी कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है उसके सामने। छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है मारो। शादी के बाद जो है ना, तुम उसको अपना आती बना लेना, फिर देखना कि वो कैसे तुम्हारी परवाह करता है, हर बात मानेगा तुम्हारी। बस अभी अमजद का किस्सा खत्म करो। अमजद से वादा किया मैंने अम्मा। फिर वही बात मारो, मैंने तुम्हें कहा ना अमजद का नाम मत लो। अब मैं तुम्हारी जबान से उसका नाम ना लूं। बस क्या हो गया है? अमजद अमजद अमजद। फरमान, एक बात बताएं। जी। क्या जुबैर भाई और नायला भाभी एक दूसरे के साथ खुश हैं? टिपिकल औरतों वाला सवाल किया तुमने भी। औरत हूं तो औरतों वाले सवाल ही करूंगी ना। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे कि ये मजबूरी अपना रिश्ता निभा रहे हैं। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, इसीलिए दोनों ने अपने बच्चों को हॉस्टल भेज दिया। छोटी छोटी बात पर सारा दिन एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं बस। सच माने तो मुझे तो ये भी लगता है कि नायला भाभी को बिल्कुल नहीं पसंद जुबैर भाई हमारे साथ वक्त गुजार रहे। क्यों, तुमसे भाभी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, कहा कुछ नहीं, लेकिन बस उनके लहजे से महसूस हुआ मुझे। नहीं नहीं देखो, अगर ऐसी कोई बात होती तो जुबैर हमें इतने दिन अपने घर पे नहीं रखता। फरमान, आपको एक किराए का मकान ढूंढना है प्लीज। मतलब इन दोनों के बीच में हमारी वजह से कोई इख्तलाफात हो जाए, ये अच्छी बात तो नहीं है ना? देखो उस्मत, मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि हमारी वजह से दोनों के बीच में कोई इख्तलाफ हो नहीं सकता। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, अच्छा इसकी जो भी वजह। अच्छा देखो, जुबैर की आदत है अपनी बीवी की हर वक्त बुराई करने की, हालांकि शादी को इतना टाइम हो गया है फिर भी छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ रहता है। कभी कहता है कि खाना सही नहीं बनाती, फजूल खर्ची बहुत करती है, मेरा ख्याल नहीं रखती। हालांकि जब मैं भाभी से मिला तो वो मुझे इस तरह की लगी नहीं। ये तो बहुत गलत आदत है फरमान, अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ बोलना, ऐसा कौन करता है? शुक्र आप ऐसा नहीं करते। मैं ऐसा हो भी नहीं सकता, मैं तो हमेशा आपकी तारीफ ही करता हूँ, चाहे मौजूदगी हो या गैर मौजूदगी हो। हाँ, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते इसीलिए। शायद मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मारुख कि तुम किसी तीसरे की वजह से मुझसे नाराज हो जाओगी। किसी तीसरे की वजह से नाराजगी नहीं थी, आपके रवैये पर है। मेरा रवैया? फोन कर करके थक गया हूं मैं तुम्हें। खाला जी से मैंने कहा कि एक बार मेरी मारुख से बात करा देती, लेकिन तुम्हें तो मेरी परेशानी की कोई परवाह ही नहीं है। आपकी परेशानियों की ही तो परवाह है सईद, इसलिए एक गुजारिश की। एतबार वाला बंदा बहुत मुश्किल था। बस कर दो मारो, दोबारा इस मौजू पे मुझसे बात मत करना। लगता है अपनी बेटी की कोई बात अब रद्द नहीं करता, चाहे उसका मुतालबा गलत ही क्यों ना हो। सब कुछ बता कर गया है वो। हाँ, और सच बताऊं, मुझे तो बड़ा अफसोस, ये कितने इज्जतदार आदमी के घर पे क्या खेल खेले जा रहा।
वो मामला खत्म हो गया। तो मामला खत्म हो गया है तो उस बेचारे अमजद की सजा भी खत्म करे। खैर मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली, मुझे तो मेरी औकात भी पता चल गई इसी बहाने। देखो मारो, तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ, जरा सी बात पर तुम मेरी सारी मोहब्बत भूल गई। मोहब्बत की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है जब खुद की मर्जी के खिलाफ जाकर ना आप दूसरे की बात मानते। अच्छा बस भी करो ना, मुंह ठीक कर लो अपना। ठीक है मेरा, फिक्र ना करें। तुम्हारे चेहरे पर जब मुस्कुराहट आएगी ना तब मैं समझूंगा कि तुम्हारा मूड ठीक है। रहने दे, अंदाजा है मुझे कि आपको मेरी खुशी की कितनी परवाह है। मैंने तो ऐसी ज़ोन में आके बात कह दी कि आप मेरी बात हर हाल में मानेंगे, लेकिन नहीं, आपने तो मेरा सारा मान धर्म बरम्बर कर दिया। अच्छा खत्म भी करूंगा सारी बातों को, मूड ठीक कर लो अपना, कहीं बाहर चलते हैं तो मैं खाना खिला कर लाता हूं। मूड नहीं है मेरा। मेरा तो है ना, मेरे मूड की कम से कम परवाह कर लिया करो, मान जाऊंगा प्लीज। चलो घर से कितने आप, मम्मी को बता के आते। आठ आने की छारिया आठ आने का पान, चल मेरे घोड़े पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली गली में रहता शौकत अली, शौकत अली को गोली लगी, सारी दुनिया रोने लगी। सिला मैंने तुम्हारी कॉपियों पर नए कवर चढ़ा दिए, अब जरा एहतियात से इस्तेमाल करना। जी आपी, मैं एहतियात से इस्तेमाल करूंगी। सिला तुम्हें पता है मैं बाबा की शादी में नए कपड़े पहनूंगा। दुआ आपी, वैसे हम बाबा की शादी में कौन से कपड़े पहनेंगे, बाबा ने ऐसे तो नए कपड़े ले दिए, हमें भी बनवा देते। सिला फजूल बातें मत करो। तो दुआ आपी, हम बाबा की शादी में क्या पुराने कपड़े पहनेंगे, और वैसे भी वो हमारे बाबा की शादी है। सिला अब्बा हमें अपनी शादी पर नहीं लेके जाएंगे। क्यों आपी? इसलिए कि अब्बा उस औरत को अम्मी की जगह पर लेके आ रहे हैं। सिला तुम इसे छोड़ दो, मैं और तुम जाएंगे बाबा की दुल्हन लेने, वो बहुत अच्छी है, इसे नहीं जाना तो ना जाए। तुम्हें बड़ा शौक हो रहा है अब्बा की नई दुल्हन लाने का, जब वो आएंगी ना तो मैं तुमसे पूछूंगी कि वो कितनी अच्छी है। तो आपी क्या बाबा की दुल्हन अच्छी नहीं है? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग, वो बहुत अच्छी है, तभी तो तुम्हारे बाबा उसको घर लेकर आ रहे हैं। देखा मैंने कहा था ना, जुआबाजी तो वैसे सबसे जल्दी रहती है। सिलाओ हम तो खेले। दिल को ऐसी चुप लगी है, दिल हुआ गुमसुम, बेबसी की हूँ मैं मारी आसरा हो तुम। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग, वो बहुत अच्छी है, तभी तो तुम्हारे बाबा उसको घर लेकर आ रहे हैं। हमेशा यही कहती हूँ, मेरी दुआ बहुत अच्छी है, मगर कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। मेरी बात बुरी लगी थी क्या? जी बहुत बुरी लगी। बेटा ये भी तो हो सकता है ना कि मारोह वाकई अच्छी हो। देखो बेटा कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें हमें ना चाहते हुए भी मानना पड़ती हैं, फर्ज करना पड़ती हैं, और अगर हम ऐसा ना करें ना तो जिंदगी बहुत बदमजा हो जाएगी। दादू अगर वो अच्छी होती तो आप उनसे मिलने जाती, आपने इसलिए उनसे मिलने से इनकार किया क्योंकि वो अच्छी नहीं है ना, यही बात है ना दादू? नहीं बेटा,
मैंने मारू की वजह से तो इनकार नहीं किया, मैंने तो सईद की वजह से इनकार किया था। खैर तुम ये बातें छोड़ो, मैं तो तुम्हें ये समझाना चाह रही थी बेटे कि शानी और सेला के सामने मारू की बुराइयां मत करना, वो छोटे हैं अभी, उनके जहन बहुत मासूम है और अगर उनके दिमाग में कोई ऐसी बात बैठ गई तो जिंदगी मुश्किल हो सकती है। मेरी बात समझ रही हो ना? जी दादू। कौन है तुम हमारे साम? वो मारुख बाजी है? नहीं, वो आराम कर रही है। चले उनसे बोलेगा कि अमजद आया था। अच्छा ठीक है। अच्छा अब क्या हो गया? वो उन्होंने भाईजान से बात की मेरे मुतालिक? नहीं, मैंने उसे मना कर दिया था बात करने के लिए। क्या? वो तो कह रही थी कि मेरी बात करेंगी, आप तो जानती है ना उनकी बात भाईजान नहीं टालते। देखो अमजद, ये तुम मर्दों का मामला है, हम औरतों का बोलना नहीं बनता है। मैं तो सिर्फ देखो तुम सईद मियां की वालदा से कौन है, वो तुम्हें माफी दिलवा देंगी। खालाजान कैसी बात कर रही है, आप तो जानती है उन्हीं के कहने पे भाईजान ने मेरे साथ ऐसा किया है और आप कह रही हैं कि मैं उन्हीं से जाके बात करूं? अब तुम मेरी बात सुनो, तुम दोबारा जाओ और बुढ़िया के सामने रोना धोना मचाओ, वो तुम्हें माफी दिलवा देगी। जाओ, शाबाश हिम्मत करो, जाओ, वो मान जाएगी। अल्लाह हाफिज़। भाभी। जुबैर भाई, आइसक्रीम। अरे इसकी क्या जरूरत थी, आपसे इतनी दफा कहा है ये तकल्लुफ ना क्या करें। बस दिल चाह रहा था कि मिलकर बैठकर खाते हैं। शहजाद नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो इतनी जल्दी कहाँ आता है स्कूल से। अच्छा आप बैठे, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। भाभी आप क्यों नहीं समझाती फरमान को, ये क्या है नौकरियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, आजकल की नौकरियों में रखा क्या है, जो मजा बिजनेस में है नौकरी में थोड़ी है। जुबैर भाई, फरमान की राय इस मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप मेरा साथ दें ना तो मैं उसको बिजनेस करने के लिए कन्विंस कर सकता हूँ। मैं साथ दूं? मुझे पता है आपकी बात कभी नहीं टालेगा वो। सुबैर भाई, मैं उनके मामलात में बिल्कुल भी नहीं बोलती। बोला करें भाभी, हर मामले में उसको मनमानी नहीं करने दिया करें। और ये क्या, एक बॉल आप नहीं खाएंगी क्या? नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा सर। तो बस ठीक, पर जब आपका मूड होगा तब खा लें, अकेले खाते अच्छा लगता है इंसान। सुबैर भाई आप प्लीज खाएं आइसक्रीम, मैंने नाश्ता काफी लेट किया था। पर मैं आपकी कंपनी के बगैर नहीं खाऊंगा, आपकी पसंद का फ्लेवर लाया था मैं। आपको किसने कहा ये फ्लेवर मुझे पसंद है? सुना था कि खूबसूरत आंखों वालों को यही फ्लेवर पसंद आता है, किसी कमर्शियल में देखा था मैंने। ना तो ये मेरी आंखों के लिए कहा गया था और ना ही ये फ्लेवर मुझे पसंद है। आप आइसक्रीम खाइए, मैं अपने काम निपटा लूं। अभी आप तो माइंड ही कर गई हैं, मेरा ये मतलब थोड़ी था, तो मैं आदत है मुझे बगैर सोचे समझे बोल देता हूँ। आप आइसक्रीम लें, मैं थोड़ी लें। वैसे भाभी बिजनेस वाली बात पे सोचेगा जरूर। जुबैर भाई मैंने आपको बताया है ना, इन मामलात में मैं बिल्कुल नहीं बोलती। भाभी बोला करे, अगर वक्त पर आपने बोला होता तो इतना बड़ा गलत फैसला नहीं करता वो। कौन सा गलत फैसला? यही शहर छोड़कर आने वाला, स्पेशली जब उसके पास कोई सेविंग भी ना हो और कोई सहारा भी ना हो रहने के लिए। पहली बात तो ये कि फरमान के इस फैसले में मैं उनके साथ हूँ, और दूसरी बात
जो हमारी हलाल की कमाई में हम सेविंग्स कर सकते थे वो हमने की, इसमें हमें कोई पछतावा नहीं है। I'm sorry भाभी, मुझे लगता है मैं आपको अपनी बात ठीक से समझा नहीं सका। और मुझे ये लगता है कि ये बातें आप फरमान को समझाएं तो बेहतर होगा। मैं अपने काम निपटा लूंगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है यहाँ आने की? अम्मा जी, मैं आपसे बात करना है, मेरी बात तो सुने। दफा हो जाओ यहाँ से। देखिए अम्मा जी, मेरी बात सुने, दुआ ने ना मुझ पे खटिया सा इल्जाम लगाया। अरे तू जाता है कि नहीं, वरना मैं बुला लूंगी सारे मोहल्ले को, रही सही कसर वो पूरी करेंगे। ठीक है जा रहा हूँ, वो तो पुराना ताल्लुक था इसलिए सुलह करने आ गया था। लेकिन अम्मा जी एक बात याद रखें, ऊपर वाला एक दर बंद करता है ना तो 100 दर खोल देता है। अरे चल जा। जा रहा हूँ। था कि खूबसूरत आंखों वालों को यही फ्लेवर पसंद आता है, किसी कमर्शियल में देखा था मैंने। वैसे भाभी बिजनेस वाली बात पे सोचने की जरूरत, अगर वक्त पर आपने बोला होता तो इतना बड़ा गलत फैसला नहीं करता वो, स्पेशली जब उसके पास कोई सेविंग भी ना हो और कोई सहारा भी ना हो रहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाना लगा दूं? हाँ लगा लेना थोड़ी देर में, शहजाद आजा फिर खाना खाते। बल्कि मैं सोच रहा था कि जुबैर को ही बुला लो। आए थे वो यहाँ, काफी देर बैठ के गए। अच्छा यार, कितना अजीब आदमी है, देख बिजनेस भी कर रहा है, बिजनेस को टाइम भी नहीं देता, कमाल है यार। चलो मैं ज़रा चेंज कर लेता हूँ। मेरी इंग्लिश की कॉपी नहीं मिल रही है। चलो बच्चों, खाना लगा दिया मैंने, खाना खा लो। दादो आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ। दादो कल से आप हमें स्कूल से लेने आया करें। क्यों, क्या हुआ? वो अमजद। फिर कुछ कहा है उसने? नहीं दादो, वो हमें मुस्कुरा कर देख रहे थे। तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है। दुआ भी, पहले तो आपको मुझे चाचा से डर नहीं लगता था। अगर कभी मिले भी ना, तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं देना, नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना, बल्कि मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगी स्कूल और खुद लेने के लिए आऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे जरूरत करता है वो। चलो आओ खाना खाओ। फरमान चाय। थैंक यू। फरमान, क्या ऐसा हो सकता है कि आप जुबैर भाई से कहें आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ ना आया करें? असमत ही उसका घर है, मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? कम से कम नायला भाभी जब तक वापस नहीं आ जाती, उनका मुझे इस तरह से यहाँ आना बिल्कुल सही नहीं लगता। समझ गया, बहुत ज्यादा बोलता है ना, आदत है उसकी, मुझे पता है ऐसी चीज से उलझती होती। ज्यादा नहीं बोलते, इंतहाई फजूल बोलते हैं। अब क्या बोल दिया उसने? आइसक्रीम लेकर आए थे मेरे लिए, कह रहे थे मेरा पसंदीदा फ्लेवर है। देखो अगर मैं होता तो मुझे भी यही कहता, इवन शहजाद होता तब भी ये करता। नेचर उसकी यार। मुझे कह रहे थे कि मैं आपको बिजनेस के लिए माइल करूं, लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया
कि इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बात दरअसल ये है कि वो बिजनेस के लिए मुझे बहुत फोर्स कर चुका है। मैंने उसको मना कर दिया, उसने देखा उसकी दाल या नहीं कर रही, तो वो तुमको बता रहा हूँ ताकि तुम मुझे फोर्स कर सको। फरमान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इस तरह से क्यों पीछे पड़ गए आपके पार्टनरशिप के लिए, क्यों फोर्स कर रहे हैं इतना। देखो, उसकी नियत पे शक नहीं करो, उसे पता है मेरे पास जॉब नहीं है, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ इतना चाहता है कि जब तक मेरी जॉब नहीं हो जाती मैं उसके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लूँ, सिंपल। पता नहीं क्यों मुझे बहुत खौफ आने लगा है अब उनकी बातों से। मतलब आप दोस्तों के बीच में फ्रैंकनेस समझ में आती है, लेकिन उनकी मेरे साथ ये फ्रैंकनेस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आप तो नायला भाभी के साथ इस तरह से बात नहीं करते कभी। अच्छा देखो, उस वक्त सबकी अपनी अपनी नेचर होती है। ये कैसी नेचर है फरमान? जब नायला भाभी घर में होती थी तो रात रात तक वो घर वापस नहीं आते थे, और अब वो चली गई है तो उनका जब दिल चाहते हैं मुंह उठाकर आ जाते हैं। क्या हो गया उस वक्त इतना गुस्सा? बस मैं आपसे कह रही हूँ ना, प्लीज आप कोई किराए का मकान ढूंढ लें, चाहे एक कमरे का ही क्यों ना हो, लेकिन मैं यहाँ अब और इस तरह से नहीं रहना चाहती। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। यासिम साहब का रेजिग्नेशन लेटर है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें। ठीक है सर, मेरी उनसे बात हुई थी, वो ऑफिस से अपनी सैलरी से और ख़ास तौर पे आपसे बहुत खुश थे, और ऑफिस छोड़ने की वजह ये भी है कि वो इंग्लैंड शिफ्ट हो रहे हैं अपने बेटे के पास। हाँ, उन्होंने बताया मुझे, आसिम साहब के लिए एक फेयरवेल अरेंज करें, बहुत अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। ठीक है सर, इस पोस्ट के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दे दूँ? नो, मेरा नहीं ख्याल। उस दिन एक साहब आए थे जो बहुत ज़िद कर रहे थे मुझसे मिलने के बाद ही डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, आप उन्हें कल इंटरव्यू के लिए बुला लें। I think he is suitable for that position. Okay, sir, sure. अरे शहजाद बेटा, तुमने बाबा को बताया तुम्हारी प्रिंसिपल से क्या बात हुई है? अभी आएंगे ना तो बता दूंगा, सबसे पहला सवाल वो यही करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या करेंगे भाई? आपको पता है प्रिंसिपल सर ने आज मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था, मेरे रिजल्ट देख के बहुत तारीफ कर रहे थे मेरी, और कह रहे थे कि मुझे बोर्ड एग्जाम में पोजीशन लेनी चाहिए। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम्हें ज़रूर पोजीशन लेनी चाहिए भाई। और उन्होंने मुझे बहुत देर तक गाइड किया था। फिर बेटा अब उनकी बताई हुई बात पर अमल भी करना, वो गाइड करें तो मेहनत करो, और हम दुआ करेंगे तो तुम अपना टारगेट ज़रूर अचीव करोगे, है ना? इंशाल्लाह। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। जी जी, अच्छा खुश हो गए तुम्हारे बाबा? ठीक है इंशाल्लाह। जी हाँ, मैं आ जाऊंगा बिल्कुल। थैंक यू, बाय। इंटरव्यू के लिए कॉल आई है। या अल्लाह तेरा शुक्र, खुदा ने हमारी दुआ सुन ली। मैडम अभी सिर्फ कॉल आई है, नौकरी पक्की नहीं हुई। तो वो भी लग जाएगी, अल्लाह ताला ऐसे ही तो रास्ते खोलता है। यार लेकिन मैं इस कॉल से बहुत सरप्राइज हूँ, जब मैं उनके ऑफिस गया था तो उनके बॉस मुझसे मिले भी नहीं, इस पर काफी हंगामा भी किया मैंने, पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे बुला लिया, कमाल ही हो गया। बेस्ट ऑफ लक बाबा। थैंक यू बेटा। क्या हो रहा है भाई? आओ 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 भाई, क्या मनसूबाबंदी बन रही है? हाँ? कोई मनसूबाबंदी नहीं बनाई जा रही, अलबत्ता खाना जरूर बनाया जा रहा है। अब आप आ ही गए तो हमारे साथ खाना खा के जाएगा। हाँ भाई जरूर, अगर भाभी को कोई एतराज ना हो एक्स्ट्रा रोटी बनाने पर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाभी आप भी सोचते हैं कि मैं पता नहीं कहाँ से आ गया, पर जब आ गए हो तो बर्दाश्त करें। क्यों भाई? हाँ मैं रोटी बना लू। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? कम ऑन यार, क्या हो गया तुम्हें? चलो अंदर आओ, आ जाओ। आओ शहजाद, आ जाओ।
आओ अम्मा, तुम्हें तुम्हारी होने वाली बहू की तस्वीर दिखाऊं तुम्हें। जब आएगी तो देख लूंगी। दिल रखने के लिए देख लेती अम्मा। जब मेरी बात की कोई हैसियत ही नहीं तो तुम्हें क्या खुश करूंगी। हाँ, तुम तो हैदराबाद वालों के लिए खुश होती हो ना। हैदराबाद कौन? असमत और फरमान? तुम्हें कैसे मालूम? मकान सेल पे रखा है उन्होंने, प्रॉपर्टी डीलर ने खुद बताया मुझे। उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो अपनी इज्जत लेकर चले गए। अच्छा हुआ चले गए यहाँ से, जो होना था वो हो गया। शरीफ लोग थे तो चले गए, मगर वो मनहूस तो आ गया ना फिर। कौन? वो बेगैरत अमजद, अब आके सारे मोहल्ले को झूठी सफाइयां पेश कर रहा है। भूखा मर रहा होगा ना इसलिए। उसने मेरी आंख का रुख किया? फिक्र ना कर अम्मा, देखता हूं उसे। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर। पर सर मैंने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं। आपके डॉक्यूमेंट स्टडी किए थे मैंने, आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखते हुए किसी इंटरव्यू की जरूरत नहीं थी। मैं क्या बोलूं सर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन आने में थोड़ी देर लगती है, स्पेशली जब खुशी अचानक मिल जाए। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट आसिम साहब हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉय थे, वो मुल्क से बाहर मूव कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। आप इस जॉब के लिए डिज़ायर पर्सन थे तो सोचा आप ही को जॉब ऑफर की जाए। सर मैं आपको बता नहीं सकता मेरी कितनी बड़ी टेंशन ख़त्म की आपने। मुझे आपकी टेंशन का अंदाज़ा है। उस रोज़ जब आप HR में डॉक्यूमेंट्स देने आए थे, मैंने आपकी बातें सुनी थी। सर आई एम रियली सॉरी, उस दिन मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। कोई बात नहीं, उस दिन आप कह रहे थे कि आपकी मजबूरी और दूसरों की मजबूरी में बहुत फ़र्क है, क्या मैं जान सकता हूँ आपकी मजबूरी? सर बहुत छोटी सी फैमिली है मेरी, वाइफ है, एक बहुत समझदार और ज़हीन बेटा है मेरा माशाल्लाह। बस कराची में बहुत अच्छे से सेटल थे हम, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए, सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें हैदराबाद आना पड़ा अपने बच्चे के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। जब हमें लगे कि मुश्किलें हमारी बहुत बड़ी हो गई हैं तो हमें एक चीज़ का यकीन रखना चाहिए कि हमारा रब बहुत बड़ा है और वही हर मुश्किल का रास्ता निकाले। राइट? नो डाउट सर। आप HR में हमजा साहब से मिल रहे हैं, ही विल लेट यू नो द टर्म्स एंड कंडीशंस। कल से आप जॉब पे आ सकते हैं। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू। मारो आ रही हूँ। सईद को फोन कर दे और उसे कहो कि आकर मुझसे मिल ले। अच्छा फोन तो मैं कर देती हूँ अम्मा, पर जरा नरमी से बात करना। देखो उससे नरमी से बात करूंगी ना तो हाथ में आई मछली की तरह फिसल जाएगा वो। तुम भी तो इतनी डरावनी बातें करती हो, ये ना उसका हार्ट फेल ही हो जाए। तो तुझे क्यों अफसोस हो रहा है? अगर बात मानने से उसका हार्ट फेल होता है तो हो जाए। ऐसे बड़े दिल फेंक हैं इस दुनिया में। हाँ ऐसे तो ना कहूँगा, तो मेरे होने वाले सरताज हैं। सरताज बनने की कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें मान ले और तुम्हारा सरताज बन जाए। अच्छा ज्यादा बातें ना कर, कर उसको फोन। अम्मा चाय तो पी लूँ सुबह सुबह, पहले फोन उसको करूँ या चाय पीऊँ? अच्छा पी ले, खा भी ले। Congratulations! अरे ये किस खुशी में? लगता है बाबा का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। नहीं यार इंटरव्यू तो नहीं हुआ मेरा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जॉइनिंग लेटर डायरेक्ट मेरे हाथ में थमा दिया, कल से ऑफिस है मेरा। आप सच कह रहे? बहुत बहुत मुबारक हो बाबा। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। मैं आपको अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगा। नहीं, थोड़ी सी बस। मारुख
नजर नहीं आ रही। अंदर कमरे में है। खैरियत? बाहर क्यों नहीं आई? नाराज है मुझसे। नाराज है आपसे? आपसे कैसे नाराज हो सकती है वो? वो कहती है कि जिस बात के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है वो बात तुमसे ना करे। कौन सी बात? ना समझ है ना, वो बच्ची है, अभी जमाने की नजाकतों को नहीं समझ रही है। खाला जी बताए ना क्या बात। चार दिन बाद मारुख की रुखसती है। मैं एक ही बात से डर रही हूँ। देखो सईद मियां, तुम्हें मैंने बेटा नहीं कहा बल्कि समझा भी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि साफ साफ बात करूं तुमसे। खाला किस बात का डर है आपको? मारुख के सुख का। तुम्हारे साथ रुखसत करके मैं लाहौर चली जाऊंगी, लेकिन जाकर भी मेरा सारा ध्यान मारुख पे रहेगा कि पता नहीं ससुराल में उसके साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है। खाला आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? कांटा भी चुभने नहीं दूंगा मैं मारुख को। और तुम्हारी माँ और बच्चे? चलो बच्चों को छोड़ो, वो तो अभी बहुत छोटे हैं। तुम्हें नहीं लगता सईद मियां कि उसूलन तुम्हारी माँ को यहाँ आकर मारुख के सर पे हाथ रखना चाहिए था?